किसान आंदोलन के समर्थन में सपा मुखिया के निर्देश पर जनपद औरैया में भी जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में सपाइयों ने जिला मुख्यालय का घेराव किया और औरैया कन्नौज मुख्य मार्ग पर जाम लगाया। सपाइयों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सपाइयों को समाजवादी पार्टी कार्यालय औरैया में नजरबंद कर दिया। किसानों की मांगों के समर्थन में सपा नेता प्रदीप यादव ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि हम शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं और इसके बाद भी जबरन प्रशासन हमको धरना देने से रोकना चाहता है। किसानों के समर्थन में जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं जी, जो भी मांग है उनका हमने अभी ज्ञापन नहीं दिया है। ज्ञापन लेकर के जो है उनको जा करके जो होता है घर की तरफ रवाना किया जा रहा है। निर्देश है कि भाई आप शांतिपूर्ण तरीके से रहिए, जो भी आपकी मांग है और उसको अपना ज्ञापन दीजिए। ज्ञापन के माध्यम से हम सरकार को अवगत कराएंगे किसी मांग को दीजिए। आज शांतिपूर्ण धरना था और किसानों के हित में था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश में पूरे प्रदेश में था। किसान की पीड़ा को दर्द को ये भाजपा सरकार नहीं समझती है। उस शांतिपूर्ण धरने में भी पुलिस व्यवधान डालने का काम कर रही है। जो जिम्मेदार लोग हैं, जो पदाधिकारी लोग हैं, जो आम आदमी आ रहा है उन्हें उन सबको घर पे ही नजरबंद किया गया, उन्हें रोकने का काम किया गया और अपनी आवाज उठाने के लिए सरकार जबरदस्ती गला घोट रही। तो मैं पश्चिम बंगाल में दिखाई देता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये दिखाई नहीं देता उन्हें। कैमरा घुमाइए, सरदार लड़का जो है लाठी लेके घूम रहा है, ये प्राइवेट लड़का ड्राइवर है और लाठी लेके घूम रहा है, देखिए। किस अधिकारी का ड्राइवर है? किस अधिकारी का है ड्राइवर? ये एडीएम का ड्राइवर है ये। हाँ।